अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इससे पहले वाली जो वीडियो है और इस वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग अ ग्राफिकल आइडेंटिटी टू योर ब्रांड ठीक है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके इसके इंडेक्स को रेफर कर सकते हैं मैं उसी हिसाब से वीडियोस बना रहा हूं तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो पहला है लोगो लोगो के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज लोगो के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दी है ठीक है तो इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट चेक इट आउट बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लोगो वाली वीडियो आपने देखी ही हो इस वीडियो को देखने से पहले ठीक है सब इनेक्टेड बट स्टिल वेरी मच कनेक्टेड इन अ वे तो बिफोर आई डिस्कस अबाउट फॉन्ट और सेकेंडरी फॉन्ट आई लाइक टू टॉक अबाउट कलर पैलेट अब आप कहेंगे कि यार सर्टेन कलर्स ही यूज करना क्यों जरूरी है कोई भी कलर कर लो जो अच्छा लग रहा है वही कर लो मैं कोई इलस्ट्रेशन बना रहा हूं मुझे जो कलर अच्छे लगेंगे मैं वो because, because होता क्या है ना कि एक हिंदी में मुहावरा है आप ने सुना होगा दैट इज इस बंदे ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए अब ना वॉट डू वी मीन हेयर वेन वी से असली रंग यह रंग जो है ना उस पर्सन के कैरेक्टर को पर्सनैलिटी को दिखा रहा है इसी तरीके से अगर आप अपने ब्रांड में सर्टेन कलर्स का बार 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 कंसिस्टेंटली यूज करते हैं तो आपके ब्रांड की एक सर्टेन तरीके की आइडेंटिटी क्रिएट होती है जिससे कि लोग कनेक्ट कर सकते हैं यू गॉट माई पॉइंट अगर आप हर बार कोई भी कलर यूज कर लेंगे कुछ भी यूज कर लेंगे तो आपके ब्रांड का कोई कैरेक्टर नहीं है कोई पर्सनालिटी नहीं है यू आर जस्ट मेसिंग अराउंड विथ कलर्स बट इफ यू यूज सर्टेन कलर्स ंग अरेक्टर एंड आइडेंटिटी टू योर ब्रांड इसके अंदर आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर ऑल दो हर पर्सन कलर को साइकोलॉजी में अलग अलग तरीके से परसीव कर सकता है बट अगर मेजोरिटी को देखा जाए तो सर्टिन कलर आरसीव्ड इन अटेन वे तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्लू कलर की बात कर रहे हैं तो डेप्थ स्टेबिलिटी ट्रस्ट कॉन्फिडेंस काम रेड कलर जो है यू नो इट्स डिटर्मिनेशन इमीडिएसी इनर्जी पार पैशन अलग अलग बहुत सारे तो आपको ऐसे मिलेंगे जो दोनों में सेम भी हैं ठीक है तो सर्टेन कलर्स का यूज करा जाता है सर्टेन ब्रांड्स में ठीक है चलिए मैं आपको दिखाता हूं तो लेट्स टॉक अबाउट हेड स्पेस तो हेड स्पेस इज मेडिटेशन एप दैट आई यूज अलॉट और पर्सनली नो प्रोमोशन बाय द वे नो प्रमोशन एट ऑल Uh, इसके मुझे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप स्पेस का ऐप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ सर्टेन कलर्स सर्टेन थीम्स दिखेंगी और राइट तो अलग अलग तरीके की आपको यहाँ पे कलर पैलेट यूज करे हुए हैं उन्होंने बट बहुत कंसिस्टेंटली यूज़ करे हैं स्पेस के जनरली जो कलर आप नोटिस करेंगे कि यू नो दे डोंट यूज एनी काइंड ऑफ टेक्स्चर एवरी डिज़ाइन एवरी इलस्ट्रेशन इज़ लाइक वेरी सिंपल ओके तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मैं और ज्यादा नहीं जाऊँगा देन सेट गोल्ड की वेबसाइट आप देख सकते हैं ही यूज वेरी क्वर्की कलर्स राइट लाइक येलो वाइट द काइंड ऑफ कलर्स विच आर अ बिट वियर्ड बट ऑल्सो कैच समय दे आर बिट डिफ्रेंशिएटेड इन अ वे ठीक है तो अब इसको वर्ड्स में डिफाइन करना मुश्किल है बट यू गॉट द आइडिया नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉन्ट की ठीक है जैसे कलर्स आपकी ब्रांड को एक आइडेंटिटी देते हैं ऐसे जो आप फॉन्ट यूज करते हैं वो भी आपकी ब्रांड को एक आइडेंटिटी देते हैं आपको पता है एक टर्म होता है जिसका एग्जैक्टली exactly मुझे नाम याद नहीं आ रहा बट इट्स मोर लाइक हैंडराइटिंग एनालिसिस ठीक है ग्राफोलॉजी तो ग्राफोलॉजी एक पूरी आर्ट होती है जिसके अंदर किसी पर्सन की हैंड को देख के एक थोड़ा एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि किस तरीके का पर्सन है इसी तरीके से अगर आप एक सर्टेन फॉन्ट बार बार यूज करते हैं तो लोग अनकॉन्शियस unconscious तरीके से अनकॉन्शियसली लोग आपके ब्रांड को सर्टेन तरीके से देखते हैं जैसे तो आप देख सकते हैं कि जो जो यहाँ पे वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल लिखे हैं दिस काइंड ऑफ फॉन्ट इज़ अ बिट ओल्ड स्कूल नाउ तो इट इट सिग्निफाइज ट्रेडिशन दिस इज़ लाइक अ बिट मोर बोल्ड तो स्टेबिलिटी इन दिस टाइप ऑफ फॉन्ट लाइक एवरी वर्ड इज लाइक इक्वी डिस्टेंट फ्राम इच अदर और काफ़ी ज़्यादा यू नो गैप इट्स लाइक स्ट्रेंथ देन फ्रेंडली देन वेरी वेवी वेरी डिफरेंस एलिगेंस यू नो तो यू गॉट द आइडिया ऐसा बहुत तरीके के फॉन्ट्स से मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी एक ब्रांडिंग किट बनाइए अगर आप कैनवा प्रो यूज़ करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन भी रहता है यू डोंट हैव टू यूज़ कैनवा प्रो मैं सिर्फ बता रहा हूँ उसके अंदर एक ऑप्शन भी रहता है सिर्फ सर्टेन कलर्स uh, का दैट यू कैन चूज़ सर्टेन फॉन्ट्स का दैट यू कैन चूज़ ताकि जब आप डिज़ाइन करेंगे ना तो वो चीज़ें बार 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 बार, बार यूज़ करें कंसिस्टेंटली यूज़ करें तो टेम्पलेटाइज हो गई वो चीज़ें नेक्स्ट आता है आपके पास पैटर्न एंड टेक्स्चर वही है इसके अंदर भी

हर ब्रांड का एक अलग अलग टेक्सचर का रहता है थोड़ा पैटर्न का रहता है इट्स गेटिंग हार्ड टू डिफाइन यू विल गेट द आइडिया नेक्स्ट फोटोग्राफी एंड एनिमेशन अगर आप एक सर्टेन तरीके की फोटोग्राफी करते हैं ना अपने प्रोडक्ट्स के लिए और एक सर्टेन तरीके की एनिमेशन करते हैं एनिमेशन आप हेड स्पेस की एनिमेशन देख सकते हैं देयर एनिमेशन आर लाइक वे टू गुड लाइक इट्स लाइक अ मार्केटिंग एग्जाम्पल टू लर्न फ्रॉम आई हाई हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच देयर एनिमेशन वीडियोज सिंपली हेज स्पेस एनिमेशन वीडियोज लिख दीजिए यूट्यूब पर यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ देम एंड आप देखेंगे कि इनकी वीडियोज बहुत कैची होती हैं एंड द ग्रैप अटेंशन फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेलेंट और वो उसको अपनी वेबसाइट में भी यूज करते हैं देन फोटोग्राफी यू नो यू कैन चूज टू डू फोटोग्राफी ऑफ यूर प्रोडक्ट्स इन अ सर्टन वे कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये है कि जनरली uh, ज़्यादातर लोग जो हैं वो वाइट बैकग्राउंड में इमेज ले रहे हैं यू कैन डू समथिंग डिफरेंट तो मतलब कुछ आप अलग कर सकते हैं कुछ कुकी वे में ले सकते हैं कुछ एक्साइटिंग वे में ले सकते हैं अपने ऊपर डेवलप करने की वाली बात है एलोस्ट्रेशन एंड एकोनोग्राफी इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू यू नो पैटर्न एंड टेक्चर और वो सारे पॉइंट्स देन साउंड साउंड का अपना एक सिग्निफिकेंस है डिफरेंट डिफरेंट साउंड जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मूड जो है बेसिकली सेटअप कर सकता है ठीक है तो अगर थोड़ा रॉक टाइप म्यूजिक है तो पीपल विल फील लाइक कि ओह इट्स फन मजा आ रहा है तो यू you नो know, right? मतलब दे विल फील एनर्जी देन इट्स कैन बी समथिंग रोमांटिक स्लो राइट और इट कुड कुथिंग अब इट को की मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंज टोनल चेंजेस हो रहे हैं यू गेट द आइडिया साउंड का आप यूज़ कर सकते हैं टोनालिटी का आप यूज़ कर सकते हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है लेआउट लेआउट अब एक ऐसी चीज़ है जो आप तभी समझेंगे जब आप एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे कि हर एक वेबसाइट की एक सर्टेन टाइप ऑफ लेआउट होती है Uh, जैसे इसकी वेबसाइट के लिए आउट है की वेबसाइट के लिए आउट है तो इफ यू नो यू यूज बटन इन अ सर्टेन वे यू यूज द एड्रेस द हेड बार इन अ सर्टेन वे तो अलग अलग चीज़ें हैं कैन नॉट रियली बी डिफाइंड मोर देन दैट आप जैसे जैसे करेंगे आपको समझ आएगा तो नेक्स्ट आता है आपका टोन ऑफ वॉइस टोन ऑफ वॉइस जो बेसिकली होता है ना इट्स अबाउट की हाउ वट्स लाइक द सो नेक्स्ट आता है टोन ऑफ वॉइस टोन ऑफ वॉइस सिंपली पुट इज योर ब्रांड का बात करने का तरीका लोगों से हर बंदा अलग अलग तरीके से बात करता है कई लोग बहुत बूस्टफुल होते हैं कई ब्रांड्स बहुत बूस्टफुल होती हैं दैट्स ओके इट वर्क्स फॉर देम कई ब्रांड्स आर अ बिट फनी जैसे फेविकोल ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट इट्स क्वाइट फनी ठीक है उनके सारे पोस्ट दे आर क्वाइट फनी इन अ वे दे डोंट नीड टू बी फनी बट दे आर ठीक है इसी तरीके से कई ब्रांड्स जो हैं अपने आप को जिंगल्स से आइडेंटिफाई करवाती हैं जैसे इंटेल टिन 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 राइट डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ब्रांड्स अलग अलग तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाती है दे अ टोन ऑफ वॉइस ठीक है अब जैसे फाइव स्टार की आपने वो ऐड देखी होगी कि मास्टर जी एक पतलून छोटी कर दीजिए टाइप एड्स तो एक टोन ऑफ वॉइस उनका बना हुआ एक बात करने का तरीका लोगों से बना रेड बुल गिव्स यू विंग्स अलग अलग तरीका आप समझ रहे हैं कि उनका मार्केटिंग करने का तरीका क्या है डू दे आर दे लाइक की बाय आर प्रोडक्ट और आर दे लाइक डूइंग समथिंग फनी एंड द प्रोडक्ट स्लिप्स इन तो इस तरीके से आप अपनी ब्रांडिंग फिलोसफी डिस मतलब ब्रांड ब्रांडिंग कह रहा हूँ यहाँ पे ग्राफिकल डिज़ाइनिंग फिलासफी यूएक्स डिजाइनिंग फिलासफी आप अप अपनी बना सकते हैं सबसे तो लास्ट जो यहाँ पे पॉइंट आया वो आता है यहाँ पे <clears throat> ग्राफिक डिज़ाइनर और यू एक्स डिज़ाइनर क्या फर्क होता है जनरली जो uh, दो अगर मैं फर्क की बात करूं तो यू डिजाइनर ना बहुत हद तक साइकोलॉजी पर काम करता है आपको अगर मार्केटिंग समझनी है ना अच्छे से कोई एक बढ़िया सी साइकोलॉजी की बुक उठा लीजिए बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड साइकोलॉजी यू डोंट यू वोंट अंडरस्टैंड मार्केटिंग ठीक है तो यूएक्स डिजाइनिंग में क्या होता है अब ये सारे ट्रेड्स तो जनरली सेम ही रहते हैं बट ग्राफिक डिजाइनर जो होता है ना वो पिक्सल फोकस्ड होता है इट्स लाइक like कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ अच्छी बननी चाहिए हर एक पिक्सल मतलब सही तरीके से आना चाहिए अगर मैं कोई बना रहा बनाऊँ तो इट शु भी बेलपोर्ट यू एक्स डिजाइनर क्या कहता है इट शुड बी यूजर फोकस कि यूजर को किस तरीके की चीज़ पसंद आएगी वट विल जनरेट मोर क्लिक थ्रू रेट और दूसरा वो मल्टीडिसिप्लिनरी होता है कि दे हैव अ वेराइटी ऑफ स्किल्स ठीक है तो अपना अपना रोल है अपनी अपनी जगह बाकी आपको थोड़ा एक यूएक्स डिजाइनर की थिंकिंग से सोचना पड़ता है ब्रांडिंग के बारे में हर बार अगर कोई एलोस्ट्रेशन बहुत अच्छी लग रही है देखने में डजन नेसेसरीली मीन कि आपको यूज करना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो आपकी ब्रांडिंग साइकोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी से बाहर जा रही हो आपकी ब्रांड आउट ऑफ कैरेक्टर जा रही हो तो ऐसी सिचुएशन में इट बिकम्स बिट वियर्ड सो या आई होप दिस विडियो हैल्प यू आउट अब ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं एंड थोड़ा इसके बारे में सोच सकते हैं कि आप कौन कौन से कलर्स फॉन्ट्स डिजाइनिंग अब अपनी कैसे रखना चाहते हैं सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ हेयर दैट यू शुड नोट इट डाउन जो जो चीज़ आप कर रहे हैं नोट इट डाउन अरे यार कल मैं कौन सा फॉन्ट यूज कर रहा था भूल गया ये नहीं होना चाहिए अरे कौन सा कलर यूज कर रहा था यार उसका हेक्स कोड क्या था नहीं होना चाहिए ठीक है आपको पता होना चाहिए एक्जैक्टली आप कौन से कलर्स यूज़ करने वाले हैं एंड इफ यू डू दैट कंसिस्टेंटली चांसेस आर यू विल एंड अप बिल्डिंग अ ग्राफिकल आइडेंटिटी फॉर योर ब्रांड सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर